लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर फिर कांग्रेस के सवाल, और कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। पीसी सचिव दीपक बैज का ईवीएम को लेकर बयान सामने आया, भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। दीपक बैज ने यह कहा है, ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है, ये भी दीपक बैज का कहना है। और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो आपको बता दें कि समय समय पर ईवीएम पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ साथ पूरी की पूरी विपक्ष जो है वो सवाल उठाती रहती है, और एक बार फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने हैं और इसको लेकर पीसी सचिव दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ, और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं शंका का विषय है, इस पे स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। तो पीसी सचिव दीपक बैज को सुन रहे थे आप, जिनका सीधे सीधे कहना कि पार्टी जो है वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है, और ऐसे में निर्वाचन आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, लगातार कांग्रेस समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाती रही है, अभी कैलकुलेटर की मांग की थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, उस पर तो निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए कि ठीक है कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा 4 जून को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के ठीक पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया है, खासतौर पर चुनाव आयोग कि जो कार्यशैली है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरीके से जो परसेंटेज बढ़ाया जाता है, 8 से 10 दिन लग जाता है जो फाइनल परसेंटेज आता है, उसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी अब 4 जून को जो रिजल्ट आने वाली है उसको ये मांग करती हुई नजर आ रही कि 24 घंटे के अंदर जो है परसेंटेज कितना हुआ है उसका जवाब आना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है तमाम जो विपक्ष है लोकसभा चुनाव, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए प्रतिज्ञा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है धनेंद्र साहू ने, जब उनकी हार हुई, जब वो मतगणना बोर्ड से निकल रहे थे मतगणना से, तब उन्होंने सवाल उठाया था। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ठीक पहले इस तरह के सवाल उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। अब चुनाव आयोग इस पर किस तरीके संज्ञान लेता है, किस तरीके से इस पर विपक्षी पार्टियों को संतुष्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रतिज्ञा, कोमन, कहीं कांग्रेस को ये तो नहीं लग रहा कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और बीजेपी अगर जीत जाती है तो ये फिर ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठाएंगे, और वो कह रहे हैं, उनका जो कहना है कि ईवीएम पर जो बार बार सवाल ये उठाते हैं, तो उनका ये कहना कि इस पर निर्वाचन आयोग कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता, वो जवाब क्यों नहीं देता, तो अगर बीजेपी जीतती है तो एक बार फिर ईवीएम मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए। मुद्दा तो बिल्कुल होगा प्रतिज्ञा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ईवीएम को मुद्दा बनाकर लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। दूसरी ओर अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो चुनाव आयोग की भी जो जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो समस्या है, उनका जो सवाल है, उसका जवाब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। लेकिन तीसरी बात ये है कि ठीक चुनाव के पहले इस तरीके से प्रश्न उठाना, किस तरीके से उस पर विपक्ष पार्टियों के नेताओं के बयान आना, कई तरीके के सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन इस पर जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो नेता पूछना चाह रहे हैं चुनाव आयोग से, इस पर चुनाव आयोग को जिम्मेदारी के तहत जवाब भी देना बनता है। जी बिल्कुल खोमन, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस जब इल्जाम लगाती है ईवीएम पर, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां भी जीतती हैं, तो यहां पर क्या कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस को इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।